NKT doing it. This is Nushet and I'm teaching you Maths of NCERT class 8. So now let's see question number 4 of exercise 9.3. Here telling, simplify 3x into 4x minus 5 plus 3. ये हमारे simplification means we have here is the number is given, ये हमारी equations given है. Okay, we have to simplify it. हमें सबसे पहले इसका simplification करनी है. Simplification करने के बाद इसमें x की value put करनी है. एक फर्स्ट में x इक्वल टू 3 है, वो यहाँ पे पुट करेंगे. सेकंड में x इक्वल टू 1/2 है, उस वैल्यू को हम सेकंड पार्ट में पुट करेंगे. देन वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू. सो लेट्स सी सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करेंगे. 3x इंटू 4x माइनस 5. सो 3x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x से, प्लस 3 है. ओके, देन 3x इंटू 5 माइनस, क्योंकि माइनस है आप, देन प्लस 3. नो 3 फोर सा 12, 12 एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3 फाइव सा 15, 15 एक्स प्लस 3. दिस इज द यू नो आंसर सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन का आंसर हमारा आता है 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3. देन वी हैव टू पुट इट वैल्यू, इसके हमें वैल्यू पुट करेंगे x की एंड वी हैव टू फाइंड इट्स यू नो फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, x इक्वल टू 3. सो फर्स्ट पार्ट 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3. तो लेंगे पुट x इक्वल टू 3 एंड सॉल्व इट. 12 इंटू एक्स की वैल्यू 3, 12 इंटू 3 का ऑल स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3, 3 3 सा 9, 12 इंटू 9 माइनस 15 3 सा 45 प्लस 3. ओके, 12 9 जा 108 माइनस 45 प्लस 3. ओके, 108 में अगर हम 3 को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, वी विल गेट 111. 111 में से हम माइनस करेंगे 45 को, देन वी विल गेट 66. देखो 111 में से हम 45 को माइनस करेंगे, ले माइनस 5 6, दिस इज 1, 10 माइनस 4 6, वी गेट 66. सो और आंसर क्या हो गया, 66. आंसर क्या आता है, 66. नो लेट्स सी द सेकंड पार्ट. सिमिलरली 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3, पुट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू में 1/2 लेनी है यहाँ पे. सो 12 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3. जस्ट लुक हियर, 12 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, गेटिंग ना, क्लियर है. माइनस 51 जा 15, 15 बाय 2 प्लस 3. नो 4 3 जा 12, वी गेट 12 हियर. सो लेट मी रब दिस, ये बी पार्ट को हम रब कर देते हैं बिकॉज नहीं हो पाएगा हमारा यहाँ पे. नो 3 बन जा 3 हियर माइनस 15 बाय 2 प्लस 3, करेक्ट. नो टेक एलसीएम, अब हम एलसीएम लेंगे, 2 3 2 जा 6 माइनस 15, देन 2 3 जा 6 हियर. नो एड इट, सॉरी वंस अगेन वी हैव रिटन रॉन्ग हियर, 2 3 जा 6, नो 6 6 12, 12 माइनस 15 प्लस 2, 12 माइनस 15 यू नो विल गेट 3, माइनस 3 बाय 2 हियर, डू हियर हम करेंगे माइनस 3 बाय 2. माइनस 3 बाय 2 को हम कर सकते हैं माइनस 1 इंटीजर 1 बाय 2, इधर यू कैन गिव इट, हम इतने में भी आंसर कर सकते हैं यू नो माइनस 3 बाय 2, गॉट इट, क्लियर है. नो लेट्स सी द सेकंड पार्ट, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. एनी क्वेरी, यस सेइंग सिंपलीफाई a into a square plus a plus 1 plus 5 and find its values. इसे हमें पहले सिंपलीफाई करने हैं. सिंपलीफाई करने के बाद a की वैल्यू पुट करेंगे 0, a की वैल्यू पुट करेंगे 1, थर्ड में a की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1, उसके बाद हमें इसके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. गेटिंग इट ना. सो लेट्स सी हियर हाउ टू सॉल्व इट, जस्ट लाइक a पार्ट की तरह हम इसे सॉल्व करेंगे. पहले सिंपलीफिकेशन,
a square plus a plus a into 1 मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस 5 गॉट इट क्लियर है इस a से हम ये सारे ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं ओके जितने भी टर्म्स गिवन है सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे a से देन जस्ट लुक हियर a into a a cube plus a into a a square प्लस ए वन जा ए प्लस फाइव गॉट इट दिस इज द क्वेश्चन नाउ जस्ट लुक हियर ये हमारे सॉल्यूशन है मीन सिंपलीफिकेशन के बाद हमने सॉल्यूशन गिव किया इसे नाउ है टेलिंग वी हैव टू पुट इट्स वैल्यू अब हमें इसके वैल्यूज पुट आउट करने हैं ओके यू नो पुट आउट करेंगे वैल्यूज इसके तो फर्स्ट में क्या है फर्स्ट इज ए इज इक्वल टू जीरो We have to put here a is equal to 0. So put a is equal to 0. A is equal to 0. Let's go trying. A cube plus a square plus a plus 5. A ki value kya hai? 0. A ki value 0. 0 plus 0 cube hai ye. स्क्वायर है प्लस जीरो प्लस फाइव जीरो पे कितने भी पावर हो ओके जीरो का हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें थ्री टाइम्स फोर टाइम्स वी गेट जीरो ये सारे जीरो 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 हो गया हमारे ओके नो वैल्यू ओनली फाइव ओके सो ये जीरो कोई वैल्यू नहीं है आंसर वी गेट यहाँ फाइव ओके ए पार्ट का गया होगा आंसर द आंसर ऑफ द ए पार्ट इज फाइव नो लेट्स सी द सेकेंड पार्ट ओके a is equal to 1 we have to put here so a cube plus a square a plus 5 a cube 1 ka cube plus 1 ka square plus 1 plus 5 okay 1 ka cube 1 1 ka square 1 what it now 1 ko 2 times karo 1 1 ja 1 so 1 aayega plus 1 plus 5 1 2 3 3 plus 5, we get 8. Got it? Now let's see the third part. Now third part dekhenge. A is equal to minus 1. Then we will write here, put A is equal to minus 1. Means putting A is equal to minus 1. A ki maan, means A ki value minus 1 rakhne par. Is means, question pe agar hum, agar A ki minus, hum value, A ki value minus 1 put karenge, toh hum वैल्यू क्या आएगी इसकी सो लेट्स सी हियर ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस फाइव ओके सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर माइनस वन सो राइट डाउन हियर माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस फाइव गॉट इट माइनस ए पे वन का पावर क्यूब वन बट माइनस में आएगा प्लस वन का वन को अगर हम स्क्वायर करेंगे वन की वन पे पावर टू विल गेट वन 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 जा वन माइनस में है सो वन पे पावर टू होगा प्लस माइनस 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 प्लस वन या प्लस माइनस माइनस प्लस फाइव नाउ लुक हियर अब हम क्या करेंगे माइनस प्लस क्रॉस्ड ओके माइनस विल गो विद प्लस माइनस वन विल गो विद प्लस वन सो हियर माइनस वन एंड फाइव इज लेफ्ट माइनस वन प्लस Here, what is left? Minus 1. Minus 1 plus 5. We will get here 4. The answer is 4.